वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो अज इतवार का दिन है तो अज असी तुहानू लैके आए हैं गुरद्वारा शहीदगंज बाबा दीप सिंह जी के गुरद्वारा शहीदा साहिब विखे, जिथे कि चपहरा कट्टन वास्ते संगतां जिहड़ियां ने देश अते दुनिया भर के विचों हुम हुम आ के पुज रहियां ने। अज तुहानू असी संगत का नज़ारा दिखाने कि किस तरीके दे नाल गुरु घरां दे विच संगतां जिहड़ियां ने नतमस्तक हो रही ने। तो गुरद्वारा साहिब कल्ले ही नहीं, गुरद्वारा साहिब के आस पास की जिहड़ी इमारतां ने, जिहड़ी सड़कां ने, जिहड़ी गलियां ने, इत्थों तक कि जिहड़े गुरद्वारा साहिब ने, उत्थे संगत जिहड़ी है इस वेले पाठ करदी नज़र आ रही है। तस्वीरां तुहानू असी उस रब रूपी संगत दीआं तुहानू दिखा रहे हैं। तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल असी इस वेले तुहानू जिहड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं गुरद्वारा श्री रामसर साहिब दी दिखा रहे हैं। तो गुरद्वारा श्री रामसर साहिब वेखो किस तरीके नाल संगत जिहड़ी है इस वेले इत्थे पुजी है। तो जिथे सरोवर है उस तो बाद ही आस पास भी जिहड़ी संगत इस वेले इत्थे बैठी है, तो वह जिहड़ी है चपहरा साहिब का पाठ करती नज़र आ रही है। तो ये तस्वीरां ने तुसीं देखो कि संगत किवें अज के दिन इतवार वाले दिन जरा है इतने चपहरा साहब कट्ट वास्ते आती है। तो उस तो बाद असी गुरद्वारा दीप सिंह शहीदा साहिब का भी नज़ारा दिखावे, लेकिन सब तो पहला तस्वीर देखनी जरूरी है कि जे आन जान के रस्ते ने उत्थे किस तरीके संगत जी है गुरु घर च नतमस्तक होंगी है। तो हूँ जरा तस्वीर तुम अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हो, इस गुरद्वारा बाबा दीप सिंह शहीदा साहिब की तस्वीर है। तो तुम देखो कि जिते गुरद्वारा शहीदा साहिब है उसकी छत के उपर किस तरीके संगत जिहड़ियां ने इत्थे नतमस्तक हो रही ने, ते चपहरा साहिब का पाठ कट्टन की सेवा इस वेले करदियां नज़र आ रही ने। उत्थे सेवादार भी मौजूद ने, तो गुरद्वारा साहिब की छत के उत्ते बैठ के संगतां जिहड़ियां ने इत्थे नतमस्तक हुंदियां ने। और खास करके जो चपहरा साहिब की एक महत्वता है, क्योंकि कहा जाता है कि संगत जिहड़ी है अपने मन दे नाल चपहरा सुख के आंदियां ने कि उन्होंने एक चपहरा साहिब कट्टना है या चार कट्टने ने या पांच कट्टने ने। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जिहड़ी है संगत इत्थे पहुँचदियां ने, लेकिन उस संगत की एक तस्वीर तुहानू सांझी कर रहे हैं कि किस तरीके नाल दूर दराजे च भी अगर तुहाडी नज़र जाएगी तो तुहानू सिर्फ संगत जिहड़ी है पाठ करती हुई नज़र आएगी। अक्सर इस तरह के नज़ारे जदों किसी तरह का कोई धार्मिक समागम हुंदा उत्थे नज़र आते हैं, लेकिन दूसरे पास की तस्वीर तुहानू दिखाने कि सड़कों के किस तरह के हालात ने। तो ये बाबा दीप सिंह दे गुरद्वारा साहिब तो जो असी बाहर निकलते हाँ उस तो बाद दूर जरा खंडे वाला चौंक जिसनों असी रामगढ़िया गेट भी कहने हाँ उत्थे किस तरीके दे नाल संगत बैठी है वो भी तस्वीर तुसी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रखते हो। और लगातार संगत की आमद लगातार जारी है, लगातार संगत आ रही ने। तो ये तस्वीर तुहानू असी दिखाने का मकसद सी कि किस तरीके नाल गुरु घर दे विच संगत आदि ने, चाहे कोई भी दरवाज़ा गेट, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे लंगर घर की जगह हो, चाहे किसी गुरद्वारा साहिब की छत हो, चाहे सरोवर के आस पास की परिक्रमा हो, कर किते भी कोई भी छोटी जगह होवे उत्थे भी संगत जिहड़ियां ने नतमस्तक होनी है। दूसरे पासे तुहानू दिखाने आ कि बाबा दीप सिंह जी निवास जो कि एक इत्थे एक बनी है जिथे कि रिहायश का प्रबंध है, सरां जिहड़ी है इसनूं असीं कहिंदे आ, तो उसके बाहर संगत किस तरीके नाल नतमस्तक होंदियां ने। तो उत्थे तुसीं वेखो कि सरां पूरी भर चुकी है, तो सरां दे विच जिहड़े कमरे ने उहदे बाहर बैठ के संगत आउंदियां ने। तो सड़क के उत्ते किस तरीके का हालात है वह भी तुसीं अपने देखो कि जिथे पार्किंग का प्रबंध किया गया है, जिथे कि हज़ारों की तादाद के मोटरसाइकिल लगे ने, तो उत्थे सड़क पर बैठ के संगत जिहड़ियां ने इत्थे गुरु घर के विच नतमस्तक हो रही ने। तो यह पाठ की जिहड़ी सेवा इत्थे निभाई जा रही है उसकी एक तुहानू एक विलखण वीडियो तुहानू सांझी कर रहे हैं, क्योंकि तुसीं अक्सर बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ा देखते हैं, लेकिन असीं अज तुहानू ग्राउंड लैवल पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल संगत इत्थे नतमस्तक होंदियां ने। तो यह सड़क का एक पासा है, हुण असीं तुहानू दूसरे पासे का भी दिखावांगे, लेकिन गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी के बिल्कुल बाहर किस तरीके नाल जदों गुरुद्वारा साहिब के अंदर असीं एंटर होंने आ तो उस दे बाहर किस तरीके की संगत है और वही रस्ता जरा है गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी नूं जांदा है। तो ये सड़क तुहानू असीं दिखा रहे हैं कि सड़क का एक हिस्सा जिस तरह की तुहानू दिखाया कि रामगढ़िया चौंक तो जिहड़ी संगत आती है वह बैठी है, तो दूसरे पासे हुण जरा तुहानू असीं नज़ारा दिखा रहे हैं वह दिखा रहे हैं, वो जरा रस्ता है वह जरा सुल्तानविंड गेट नूं जांदा है उस दे बाहर किस तरीके दे नाल संगत जिहड़ी इत्थे नतमस्तक हो रही है, तो किवें संगतां दीआं कतारां इत्थे तुहानू वेखण नूं मिलणगियां। तो ये सारिया चीज़ा तुसी देखो कि संगत का एक जरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रति एक स्नेह है, एक प्यार है, एक सत्कार है, उस सत्कार की तस्वीर है। बहुत सारे तुसी इस तरह के लोग देखे होंगे जिहड़े कि धार्मिक समागम करते हैं, लेकिन इत्थे आप मुहारे संगत जिहड़ियां ने हुम हुम आगे पुजदियां ने उसकी एक असीं तुहानू एक तस्वीर सांझी कर रहे हैं। तो इस तरह दियाँ तुसीं बहुत सारे धार्मिक समागम देखे होंगे, लेकिन जिस तरीके नाल गुरु घर बाबा दीप सिंह जी विखे शहीदा साहिब विखे संगत नतमस्तक नज़ारा तुम्हें इमारत भी जिहड़ियां खोल दित्तियां जांदियां ने, और खास करके जिहड़ा है उत्थे संगत आ के नतमस्तक हो के अपना जिहड़ा है पाठ करदियां नज़र आ रही ने। तो ये तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं अमृतसर तो, अमृतसर की तस्वीर है
खूबसूरत तस्वीर, तुम अजी तस्वीर नहीं देखी होएगी, तो लगातार गुरद्वारा साहिब की कवरेज वास्ते असी कोशिश करते हैं कि वो तो संगतों का जरा हड़ है, जरा स्नेह है गुरु ग्रंथ साहब महाराज प्रति जो समर्पण है वो तुम्हें दस सकी है। तो वह दिखा रहे हैं किस तरीके संगत इतने नतमस्तक हो के गुरु घर के आशीर्वाद लेंदियां नज़र आ रही ने। तो तस्वीर हम तुम दिखाने कि थले किस तरीके का हाल है कि जो असं गुरद्वारा साहिब के अंदर जाने तो किमें संगतों का जरा इकट्ठ है वो तुम्हें नज़र आएगा। तो तुम वेखो गुरद्वारा साहिब के तस्वीर तुम संगत की भी साझी कर दी है, तुम दिखाया कि किस तरीके सारे इलाके भरे पे ने, तो दूजा सड़कों के किस तरीके संगत जरिया ने पाठ कर दिया। तो ये एक विलखण तस्वीर है जिड़िया कि गुरु घर संगत जरिया ने इतने नतमस्तक होने वास्ते आदि ने। तो इतने तुहानू हर पासे एक अलौकिक नज़ारा ही नज़र आएगा। तुसी देखो कि किवें जिहड़े इत्थे प्रेमी ने सेवा करदे नज़र आउंदे ने, तो दूसरे पासे जिहड़ा है वह सड़क का नज़ारा तुहानू दिखाने आ कि किवें संगतां जिहड़ियां ने पाठ करदियां नज़र आउंदियां ने। कल्ले अमृतसर साहब तो नहीं बल्कि देश विदेश तो संगतां जिहड़ियां ने इत्थे आउंदियां ने, उहदी तस्वीर तुहानू असीं सांझी कर रहे हां। तो ये तस्वीर ने अमृतसर साहब दियां, तो ये एक अलग तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं गुरद्वारा साहिब बाबा दीप सिंह जी तो शहीदा साहिब चपहरा साहिब की सेवा अनमोल है। तो किवें संगतां वालों इत्थे लंगर भी लगाए जाते हैं, तो हर किसी के मन च जो भावना होंदी है वह लेके इत्थे आता है। तो ये खूबसूरत नज़ारा जरा है तुसी दुनिया के किसी कोने च नहीं वेख्या होएगा, जो नज़ारा तुसी अमृतसर साहब की धरती से नज़र आएगा तुहानू। तुसी देखो किवें संगतां ने पाठ कर दिया ने, तो कुछ संगत ना भी गलबात करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब की कहना चाहोगे, इतने सेवा करते हो की कहना चाहोगे? दसो महाराज बाबा जी, दसो की कहना? बाबे साडे हड ने हड नहीं हड नहीं, दसो बाबा महाराज। बाबे दीप सिंह दी बहुत कृपा है, अहीं आने भाई इतना ही महाराज सेवा लेंदा रहे, तो अहीं गरीब नवाणे हैगे महाराज की सेवा करते रहिए। बहुत बहुत बाबे दीप सिंह की कृपा महाराज सारे की चढ़ती कलम। अज वाहगुरु जी सारे सेवादारा के सहयोग न अं ब्रैड न्यूडरी का लंगर लाया, नाले साडे कुछ वीर आ ये भी चाह की भी सेवा करते आ रहा ऐतवार के ऐतवार, उधर भी वीर अपने सेवा करते पे आ करो कर चलती रहेगी जी। बाबे की कहना चाहोगे? वाहगुरु जी इदा ही सेवा चलती रहे, गुरु घर इदा ही चलती रहेगी। ना ना जी, गुरु घर यह नज़ारा कि नहीं है जी, गुरु घर तो बिना कि नज़ारा नहीं है। बिल्कुल वेखो कि संगत का कहना कि गुरु घर च इस तो वधिया नज़ारा कित नहीं देखने को मिलता। की कहना चाहोगे तुसी? अज इत्थे मत्था टेकन आए हो अज गुरुद्वारा साहिब विखे, तुसी वेखो कि संगत का नज़ारा तुहानू दिखा रहे हैं कि किस तरीके नाल संगत इत्थे नतमस्तक होंदियां ने, की कहना चाहोगे? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। महाराज दे चरणां विच जिहड़ा भी हाजरी भरदा उहदी हर एक मनोकामना पूरी हुंदी है। बाबा जी का बहुत उच्चा स्थान है। हाँ जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। बिल्कुल तुसी देखो कि संगतां जिहड़ियां फतेह बुला रहियां ने, ते नाल ही नाल संगत का इकट्ठ है। ये नज़ारा खूबसूरत नज़ारा सी तुहानू दिखाया कि किस तरीके संगत गुरु घर विखे नतमस्तक होंदियां ने, खास करके अनोखे अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह दा चपहरा साहिब कट्टण वास्ते संगतां दा हड़ लगातार हर इतवार वधदा जा रहा है। कैमरामैन नर्स दे नाल सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।